अक्सर आप लोगों ने बहुत सारे क्रिकेट मैच में बहुत सारे खिलाड़ियों को एक सफेद रंग की क्रीम चेहरे पर लगा के खेलते हुए देखा होगा, पर सवाल यह है कि वो सफेद रंग की क्रीम होती क्या है और उसे चेहरे पर लगाया क्यों जाता है। नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली वो सफेद रंग की क्रीम एक सनस्क्रीन के जैसी ही होती है, लेकिन वो जिंक ऑक्साइड की बनी हुई होती है और उसको जैसे आप चेहरे पर लगाते हैं सन से आने वाली रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और जिससे त्वचा को जलने से बचाया जा सकता है। आपकी लाइफ में कभी ना कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कभी कोई एग्जाम देने जा रहे हो या फिर कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो आपकी मम्मी ने आप लोगों को दही और शक्कर का कॉम्बिनेशन तो जरूर खिलाया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है तो शायद आप कहोगे कि ये कोई अंधविश्वास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। एक्चुअली दही एक कूलिंग फूड होता है और शक्कर के अंदर ग्लूकोज होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को एक इंस्टेंट एनर्जी देता है और आपके ब्रेन की कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बढ़ाता भी है। तो अगली बार जब आपकी मम्मी आप लोगों को दही और शक्कर खिलाए तो इसे अंधविश्वास मत समझिएगा, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन को समझ के प्यार से खाइएगा और अपने अच्छे काम के लिए जाइएगा, सक्सेस जरूर मिलेगी। हाल ही में इस पूरे विश्व में फैली ये पैंडेमिक यानी कि महामारी से लड़ने के लिए जापान ने अपने ही देश में एक ऐसे ग्लासेस को बनाकर रेडी किया है जो कि टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इन ग्लासेस के अंदर एक्चुअली थर्मल कैमरास को इनबिल्ट किया गया है, जिसे पहनने के बाद आप दूर से ही किसी के भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो और आप ये पता लगा सकते हो कि वो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है या नहीं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे ग्लासेस की जिसमें थर्मल कैमरास इनबिल्ड है हमारे देश में जरूरत है या नहीं, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर किसी होटल के रूम में या फिर किसी चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगा हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि कैमरास इतने छोटे होते हैं कि हमारी नेकेड आई से हम इसे देख ही नहीं सकते। तो घबराइए मत गाइस, क्योंकि एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस आ गया है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और जब आप होटल या फिर चेंजिंग रूम में जाएं तो इस पोर्टेबल डिवाइस को ऑन करके आप हिडन कैमरा को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे ढूंढ सकते हैं। ये लेजर एलईडी टेक्निक पे काम करता है, जैसे आप इसे ऑन करते हैं और आंख पे लगाते हैं तो वो किसी भी हिडन कैमरा को ब्लिंक करता हुआ दिखा देता है। हिडन कैमरा चाहे ऑन हो या ऑफ, ये डिटेक्टर फिर भी उसे डिटेक्ट कर लेता है। कोरोना के समय में उन परिवारों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है जिनमें कोरोना की वजह से कमाने वाले की मृत्यु हो गई है, और अगर वो कमाने वाला किसी प्राइवेट जॉब में था तो ये तो और समस्या का विषय है। इसी बीच टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी घोषणा की जिससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। टाटा स्टील के अनुसार अगर उसके किसी भी कर्मचारी की कोरोना की वजह से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सर्विस के 60 साल तक पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा परिवार को रहने के लिए घर दिया जाएगा और मेडिकल की सुविधाएं भी दी जाएंगी, और तो और उनके बच्चों के पढ़ाई का खर्च भी कंपनी ही उठाएगी। गाइस, टाटा स्टील की ये पहल आपको कैसे लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।